नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत हमारा अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और आज हमारा इस वीडियो में शीर्षक है भारत चीन संबंध। दोस्तों, भारत चीन संबंधों की चर्चा हम 4 हेडिंग्स के अंतर्गत करेंगे, जिसमें से पहली हेडिंग के अंतर्गत हम समझेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही भारत चीन संबंधों की। दोनों ही एशिया के प्राचीन देश हैं, दोनों का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र रहा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से। लेकिन दोस्तों, मजे की बात है कि हिमालय पर्वतमाला के एक तरफ चीन है और एक तरफ भारत। ये दोनों देश कहीं कहीं बौद्ध धर्म के माध्यम से, सिल्क रूट के माध्यम से संपर्क में आए, लेकिन लगभग अछूते ही रहे, और ये दोनों का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में रहा। इसके बाद अगर हम आधुनिक विश्व की बात करें तो दोनों ही देश पश्चिमी साम्राज्यवाद के शिकार हुए और लंबे समय के औपनिवेशिक दासता के जीवन के बाद दोनों ही देश स्वतंत्र हुए, और दोनों के स्वतंत्र होने का समय भी लगभग बराबर सा है। भारत 1947 में और चाइना 1949 में स्वतंत्र रूप से विश्व पटल पर दिखाई दिए। दुनिया के देशों, विशेषकर एशिया के देशों में ऐसी उम्मीद जगी कि ये दोनों देश मिलकर एशिया का उत्थान करेंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच कुछ विवाद के मुद्दे, अगली हेडिंग जिसके अंतर्गत हम इन संबंधों को समझेंगे, कुछ विवाद के मुद्दे आ गए। 1950 में ही चीन ने तिब्बत वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया और तिब्बत वाले क्षेत्र में चीनी बस्तियां बसाने की शुरुआत करने की कोशिश की। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1962 में भारत पर हमला, और उसका कारण क्या था? तिब्बत के दलाई लामा 1959 में भारत आए, भारत ने उनको राजनीतिक शरण दी। इस राजनीतिक शरण देने को चीन ने शत्रुतापूर्ण व्यवहार कहा भारत का, और इस एलिगेशन के साथ चीन ने भारत पर 1962 में अटैक किया, और हम जानते हैं सैनिक रूप से इस अटैक में भारत को भारतीय पराजय हुई और भारत की जमीन का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है। दोस्तों, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो एक हिस्सा है लद्दाख, लद्दाख का एक हिस्सा अक्साई चिन, इस पर भी चीन अपना अधिकार जमाता है। अक्साई चिन तो उसके कब्जे में ही है। तो ये कुछ मुद्दे रहे। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा रहा 1965 में 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इन दोनों ही युद्धों में चीन ने पाकिस्तान को समर्थन दिया। इसके बाद भी पाकिस्तान को बहुत सारी मिसाइल्स और कई तरह की आर्थिक सहायता व्यापार के माध्यम से चाइना देता रहा है। ये सब ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनसे भारत चीन संबंधों में खटास रही है। भारत चीन संबंधों के विवाद के इन मुद्दों के बावजूद भी एक समय आया, ऐसा आया जब दोनों ही देशों ने कोशिश की कि दोनों देशों के संबंध सही हो जाए। ये कोशिश विशेष तौर पे तब हुई जब 1970 या 70 के दशक की बात करें, 70 के दशक में भी जब माओ से तुंग के बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जब डेंग शियाओपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, और डेंग शियाओपिंग ने एक परिवर्तन किया। वो परिवर्तन क्या था? आपके पुस्तक में चित्र दिया है, उस चित्र में ऊपर माओ का चित्र है और माओ के हाथ में लाल किताब है, यानी विचारधारा के हिसाब से चलेंगे। कौन सी विचारधारा? साम्यवादी विचारधारा के हिसाब से चलेंगे। उसके नीचे एक चित्र दिया है, वो चित्र डेंग शियाओपिंग का है, और उसमें उन्होंने लाल रंग की टाई लगा रखी है। वो प्रतीक है इस बात का कि हम पूंजीवाद वाले रास्ते पर चलेंगे, यानी कि चीन के नेतृत्व परिवर्तन से वैचारिक मुद्दे जो हैं उनको पीछे छोड़ दिया गया और व्यवहारिक मुद्दों को सामने लाया गया। चाइना समझ गया कि अगर हमें विश्व में आगे बढ़ना है, एशिया में आगे बढ़ना है, तो भारत से हमें अपने संबंध ठीक करने होंगे। और दोस्तों, इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो 80 के दशक में दोनों देशों में कई सारी ऐसी यात्राएं, वार्ताएं हुई जिनसे संबंध सुधरे। 1988 में
उस समय के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने चाइना की यात्रा की और ये क्रम, संबंध सुधारने का ये क्रम अभी भी जारी है। पिछले साल भी आपने देखा शी जिनपिंग जो कि चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो भारत में आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना की यात्रा की। ये इतनी जो कोशिशें की जा रही हैं, इन कोशिशों से दोनों देशों को क्या लाभ होगा, ये भी हमारे लिए विचारणीय मुद्दा है। दोस्तों अभी हमने भारत चीन संबंधों के तीन आयाम देखे। पहला हमने ऐतिहासिक आयाम देखा, दूसरा हमने देखा दोनों के बीच किस तरह से विवाद के मुद्दे रहे जिन्होंने दोनों के संबंधों को खराब किया। फिर हमने तीसरे पहलू में चर्चा की कि किस तरह से चाइना में नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद दोनों देशों में संबंध सुधार के लिए प्रयास जारी रहे, जो प्रयास आज भी जारी है। अब इस कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण जो भाग है उस पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई दोनों के संबंध अच्छे होने से लाभ क्या होगा। देखिए दोनों के संबंध अच्छे होने से जो लाभ होंगे उनमें सबसे पहला लाभ तो यह है कि दोनों सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसार एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। सीमा विवाद जो है वो दोनों के बीच में चल रहे हैं, अगर आपस में संबंध अच्छे होंगे और तालमेल होगा तो सीमा विवादों का भी शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा हो सकता है। हम देखें कि दोनों के दोनों देश विश्व की उभरती हुई शक्तियां हैं और दोनों एशिया में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहते हैं और दोनों एशिया में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले तभी कर सकते हैं जब दोनों आपस में टकराव की जगह अच्छे संबंधों के साथ तालमेल की स्थिति में आए। इन संबंधों का सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो आर्थिक क्षेत्र में होगा। जैसे कि आप जानते हैं भारत के बाजार चाइना के माल से अटे पड़े हैं तो चीन के लिए भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है आर्थिक दृष्टिकोण से। चीन के साथ संबंध सुधरने से देखिए आर्थिक रूप से क्या हुआ कि जो भारत चीन व्यापार है वो 30% सालाना दर से बढ़ रहा है। 30% सालाना दर से दोनों के व्यापार की वृद्धि बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात हम देखें 1992 में दोनों के बीच का जो व्यापार था वो 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का था, वो 2006 तक आते आते 18 अरब डॉलर का हो गया। यानी कि कितनी तेज गति से इन दोनों देशों के संबंध सुधरने से, एक दूसरे के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाएं खोलने से दोनों ही देशों को लाभ हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया जैसे दोनों ही उभरती हुई शक्तियां हैं, दोनों का राजनीतिक आर्थिक और सैनिक दृष्टि से दोनों मजबूत देश हैं। अगर ये दोनों देश और साथ में रूस मिल जाता है तो ये तीनों मिलके विश्व की महाशक्ति बन सकते हैं। इसके अलावा अन्य अनेक संभावनाएं दोनों देशों के संबंध बेहतर होने से खुलती हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत ही सदैव शब्दों में और आसान शब्दों में आपको भारत चीन संबंधों के कई पहलुओं को स्पष्ट किया। उम्मीद है कि आपको भारत चीन संबंध की जो बात है वो अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, आपने वीडियो प्यार से देखा, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।